फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स होड़ियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकारी नौकरी से संबंधित हैं। इस वीडियो में टीचिंग और नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों के बारे में बताने वाला हूं और लाइब्रेरी साइंस के विषय में लाइब्रेरियन पद के बारे में बताने वाला हूं। यह जो वैकेंसी है 79 विषय में, यानी 79 अलग अलग विषय और अलग अलग पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पद तो एक एक हैं, लेकिन जो वैकेंसी हैं 79 विषय हैं और अलग अलग विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। और ड्राइवर से लेकर लाइब्रेरियन सहित विभिन्न पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। टीचिंग और नॉन टीचिंग का यह बड़ी वैकेंसी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो टीचिंग का पद है उस पद के बारे में। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है, यानी ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इच्छा है तो आप ऐड हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो है 2 जून 2023 तक, यानी 2 जून 2023 शाम को 5 बजे तक इसमें जो एड्रेस दी गई है इस एड्रेस पर पहुँचना चाहिए, क्योंकि जब ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है तो एप्लीकेशन फॉर्म पहुँचने की ये तिथि होती है। इसलिए आप टाइम से पहले एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके और सेंड करने के लिए ट्राई करें, यदि आप इंटरेस्टेड हैं इन पद के लिए। तो अब हम बात करते हैं प्रोफेसर का पद जो है। इसके अलावा यानी टीचिंग के बाद नॉन टीचिंग का जो पद है वो मैं बताऊंगा। तो आपको क्या करना है कि आप नॉन टीचिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डायरेक्ट आगे बढ़ाकर आप देख सकते हैं। और फुल जानकारी लेना चाहते हैं कि किन किन विषय में आवेदन है तो आप अपने सुविधा के अनुसार वीडियो को देख सकते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि आप वीडियो को पूरा ही स्टेप बाय स्टेप आप देखें, बट अपनी आवश्यकता के अनुसार आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं विभिन्न पद के बारे में। तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर 1 से चालू हैं और यह जो पद हैं 79 तक हैं। इस तरह से 79 विभिन्न विषय में, यानी अलग अलग विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। तो सबसे जो पहला पद है डीन के लिए है, जो कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। एक एक पद हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्रोफेसर के विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें वेटनरी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री विषय हैं। इसके अलावा लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी, वेटनरी पैथोलॉजी, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, एनिमल न्यूट्रिशन, इनमें एक एक पद हैं। इसके अलावा वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड टैक्सोकोलॉजी में आवेदन आमंत्रित हैं। वेटनरी तो आपको ध्यान में रखना ही है, पब्लिक हेल्थ में है। इसके अलावा पैरासीटोलॉजी हैं, लिव स्टॉक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एजुकेशन, वेटनरी ज्ञान को इकोलॉजी हैं, वेटनरी मेडिसिन, वेटनरी क्लिनिकल कम्प्लेक्स। यहाँ तक तो जो हैं, यानी 17 जो पद हैं प्रोफेसर के लिए हैं। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो देखिए जो एसोसिएट प्रोफेसर का जो पद है इसकी हम बात करते हैं। तो एसोसिएट प्रोफेसर में वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल न्यूट्रिशन, वेटनरी फार्माकोलॉजी, इसके अलावा लिव स्टॉक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, सर्जरी एंड रेडियोलॉजी, वेटनरी ज्ञान इकोलॉजी, यानी ज्ञान इकोलॉजी है। इसके अलावा वेटनरी क्लिनिकल कम्प्लेक्स, वेटनरी मेडिसिन के लिए हैं। यहाँ तक हैं जो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए हैं। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पद है इस पद के लिए। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आपको आगे पीछे करके देखना है। मैं नहीं चाहता कि आप फुल वीडियो को देखें, बट आगे पीछे अपने रिक्वायर के अनुसार आप देख सकते हैं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर में जो हैं वेटनरी फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एनिमल जेनेटिक्स, वेटनरी ज्ञानकोलॉजी है, वेटनरी मेडिसिन और वेटनरी सर्जरी में एक एक पद हैं। अब मैनेजर फॉर्म ऑपरेशंस के लिए हैं। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के जो पद हैं इसके लिए हैं। क्लर्क के 2 पद हैं और ड्राइवर के लिए 1 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। यहाँ पे जो हम बात करते हैं, देखिए ये यूनिवर्सिटी जो पद हैं तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए आया है, सॉरी यूनिवर्सिटी में आवेदन आमंत्रित हैं। तो यहाँ पे आते हैं तो अलग कॉलेज है, जैसे यूनिवर्सिटी के जो अलग डिपार्टमेंट हैं इस डिपार्टमेंट में आवेदन आमंत्रित हैं। डीन कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के लिए हैं, एक एक पद है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। असिस्टेंट प्रोफेसर वेटनरी फिजियोलॉजी, वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी,
सॉरी 39 नंबर का जो पद है असिस्टेंट प्रोफेसर का नहीं है, साइंटिस्ट वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी का है, असिस्टेंट प्रोफेसर वेटनरी पैरासिटोलॉजी है, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर वेटनरी से रिलेटेड है। इस तरह से ये असिस्टेंट प्रोफेसर डिजास्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिकेशन सहित विभिन्न पद हैं, यहाँ पे आप जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करें नॉन टीचिंग में जो पद हैं, तो वेटनरी ऑफिसर के लिए एक पद है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के कुल 3 पद हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल के 2 पद हैं, रेडियोग्राफर के 1 पद हैं और क्लर्क के 11 यानी 11 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। टेक्नीशियन के 2 पद हैं, रेडियोग्राफर कम वीडियो रिकॉर्डर के 1 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा एम बॉयज के लिए 22 पद हैं यानी 22 पद हैं, माली के लिए जो पद हैं कुल 10 पद हैं, चौकीदार के लिए 15 यानी 15 पद हैं, स्वीपर के 5 पद हैं और मोर्टेम अटेंडेंट के 2 पद हैं। अब अदर आउट स्टेशन की बात करें तो इसमें भी विभिन्न पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इसमें सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट प्लांट प्रोडक्शंस हैं, प्रोग्राम असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 12 के 1-1 पद हैं। अदर डिपार्टमेंट की बात करें तो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट लिव स्टॉक प्रोडक्शन, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट फिशरीज और फार्म मैनेजर, प्रोग्राम असिस्टेंट कंप्यूटर में 1-1 पद हैं। इसके अलावा अदर डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं, SAS नगर में जो है सब्जेक्ट मैटर जो पद हैं वही है जो मैं अभी बताया था, यानी लिव स्टॉक प्रोडक्शन, प्रोग्राम असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन, ड्राइवर के 1 पद है, स्किल सपोर्टिंग स्टाफ के 1 पद हैं। RRTC में जो आवेदन आमंत्रित है निंदा में है, इसमें वेटनरी ऑफिसर, वेटनरी इंस्पेक्टर, क्लर्क, ड्राइवर के लिए 1-1 पद हैं, एनिमल अटेंडेंट के 2 पद हैं, चौकीदार के 3 पद हैं और स्वीपर के 2 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। अगर इसके अलावा जो डिपार्टमेंट है उसकी हम बात करें तो RRTC में जो है वेटनरी ऑफिसर और ड्राइवर के 1-1 पद हैं। तो यह रही वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल जानकारी, तो यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा। अब हम बात करते हैं आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि देखिए इतना बड़ा ये जो वैकेंसी है और इतने बारे वैकेंसी के बारे में क्वालिफिकेशन बताऊंगा तो यह वीडियो आपके 1 घंटे से अबव हो जाएगा। तो क्वालिफिकेशन आपको सेल्फ देखना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन शुल्क के बारे में, तो देखिए एप्लीकेशन शुल्क जो है आपके जो पद के हिसाब से हैं, जैसे सीरियल नंबर 1 से लेकर 25, 36 और 37 के लिए 2000 रुपये अप्लीकेशन शुल्क हैं, सीरियल नंबर 26, 31, 38, 46, 47 और 59, 63, 64, 67, 71 और 78 के लिए 1500 रुपये अप्लीकेशन शुल्क हैं, सीरियल नंबर 32, 33, 48, 49, 50, 52, 60 से 62, 65, 6 और 68, 72 और 73 के जो पद हैं सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग उसके लिए 1000 एप्लीकेशन शुल्क हैं, सीरियल नंबर 34, 35, 51, 53, 58, 69, 70, 74, 77 और 79 के लिए 300 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं, यानी जो लोअर डिवीजन का जो पद हैं उसके लिए एप्लीकेशन शुल्क कम हैं और जो अपर डिवीजन के लिए हैं उनके लिए एप्लीकेशन शुल्क ज़्यादा हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यह जो पद हैं इसकी सैलरी के बारे में, तो देखिए सीरियल नंबर 1 से लेकर 36 तक का जो पद है इसमें 37,400 से लेकर 67,000 तक हैं और ग्रेड पे 10,000 हैं प्लस 1,000 रुपये ऐसे और रेंट फ्री हैं, यानी जो भी आपके जो रहने का है उसके लिए फ्री है आपके। इसके अलावा जो सीरियल नंबर 37 हैं यानी 37 है इसमें भी सैलरी सेम है, ग्रेड पे सेम है और SA आपको फ्री हैं। सीरियल नंबर 2 से 70 तक जो पद हैं 2 से 70 तक इसमें भी सैलरी सेम है और 10,000 ग्रेड पे हैं। सीरियल नंबर 18 से 25 तक का जो पद है सैलरी सेम है लेकिन ग्रेड पे 9,000 रुपये हैं। सीरियल नंबर 26 से 30, 38 से 45 तक का जो पद है 15,600 से लेकर 39,100 रुपये, ग्रेड पे 6,000 हैं और सीरियल नंबर 31, 35, 46 और 79 के लिए पर सेंट्रल पे कमीशन के अनुसार जो भी आपकी सैलरी बनेगी वो आपको मिलेगी। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर देखिए यह जो है 93 पेज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यह जो नोटिफिकेशन है इतने सारे क्वालिफिकेशन है, तो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपको डिटेल जानकारी देखना है। अब हम बात करेंगे यह वैकेंसी कहाँ पर आया है क्योंकि मुझे शॉर्ट में इसको फिनिश करना है। अब हम बात करते हैं कि यह जो वैकेंसी है गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी लुधियाना में आवेदन आमंत्रित हैं और एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफलाइन ही फिल करना है। यह जो नोटिफिकेशन है
93 पेज का नोटिफिकेशन दिया गया है। नीचे मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, हो सकता है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में भी डिटेल जानकारी दी हो, तो यह सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं डिटेल जानकारी। तो फ्रेंड, इस चैनल पर डेली सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती है और यह जो वीडियो है सरकारी नौकरी के लिए ही है। तो इसी तरह का अपडेट और नई वीडियो की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे कि अपडेट और नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। साथ ही ये जो वैकेंसी हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, लेकिन कुछ पद हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं हैं। हो सकता है आपके कलीग हो, आपके फ्रेंड हो, वो इस पद के लिए एलिजिबल हों, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी जो प्रोफेशनल्स हैं वो इसका